फ्रेंड्स, नया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इंस्टेंट बासुंदी बनाना बताऊंगी, जो मेरे बेटों की रिक्वेस्ट पर मैं ये बना रही हूँ। और ये सिर्फ 5 मिनट में बनती है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन दबाना भी मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी हर न्यू रेसिपी का, सबसे पहले आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बनाएंगे बासुंदी। बासुंदी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध, ये 3 कप है दूध, 1 कप मिल्क पाउडर, 2 बड़े चम्मच शक्कर, थोड़े से दूध में मैंने 15-20 केसर के धागे भिगो दिए, ये देखिए, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 15 बादाम बारीक काटे हुए, 15 पिस्ते बारीक काटे हुए, 15 काजू बारीक काटे हुए, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी या चारोली। चलिए अब हम बनाएंगे बासुंदी। सबसे पहले आप गैस ऑन कर दीजिए, नॉनस्टिक पैन ले लीजिए, पहले इसमें दूध डाल दीजिए। दूध को एक बॉईल आने दीजिए। अब देखिए दूध को बॉईल आ चुका है, फ्लेम लो कर दीजिए। अब इसमें आप मिल्क पाउडर डाल दीजिए, आप चाहें तो पहले भी दूध में मिक्स करके डाल सकते हैं या बाद में भी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि लम्स नहीं पड़ने चाहिए, आप चाहें तो इसे विस्क से भी ऐसे मिक्स कर सकते हैं, उससे जरा भी लम्स नहीं पड़ेंगे। विस्क के साथ मिक्स करने से ये इवनली मिक्स हो जाता है, ये देखिए आप, जरा भी लम्स नहीं दिखेंगे आपको। और मैं आपको एकदम इजी मेथड और जल्दी बासुंदी बनने का मेथड बता रही हूँ, नहीं तो आपको दूध को आधा करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में आपकी बासुंदी बन जाएगी। फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इसे हिलाते रहिए। अब आप इसमें शक्कर, सिर्फ इसे हमें थोड़ा गाढ़ा ही करना है, नॉर्थ इंडियन साइड में रबड़ी भी कहते हैं इसे, लेकिन वो थोड़ी थिक होती है, बासुंदी ज्यादा थिक नहीं होती है। ये देखिए इसमें आप, मैंने केसर जो भिगाया था दूध में वो डाल दीजिए, इसे भी मिक्स कर दीजिए अच्छे से। ये देखिए ये गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा और हमें गाढ़ा करना है, और इसे हिलाते, मीडियम फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं, पर इसे हिलाते रहिए लगातार, साइड साइड से भी निकालिए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप कोई भी ओकेशन हो, फेस्टिवल हो, कोई पार्टी हो, और ये आप एक जल्द से जल्द बना सकते हैं, मैं इजी वे में बता रही हूँ आपको, सिर्फ 5 मिनट में। अब आप इसमें सब ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, इलायची पाउडर, और हमें इसे 2-3 मिनट पकाना है। ये देखिए कलर भी इसका कितना प्यारा है, केसर डाला है, केसर आप थोड़े से गरम दूध में भिगो के रख दीजिए, उसका फ्लेवर और रंग दोनों अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये मेरे घर में भी सबको पसंद है बासुंदी, बच्चों को भी, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, और वाकई में ये टेस्टी बहुत बनती है। ये देखिए अभी ये कितनी थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, इतनी ही रखनी है इसे। अब आप फ्लेम बंद कर दीजिए, एक बाउल में इसे निकाल दीजिए। ये आपकी बासुंदी बन चुकी है, देखिए केसर के वजह से उसका रंग कितना अच्छा आया है। अब इसके ऊपर आप गार्निश कर दीजिए बादाम और पिस्ते के साथ, ये बादाम मैंने भिगो के रखे थे और उसके स्किन निकाल दी हुई है।
आप कुछ भी गार्निश कर सकते हैं, काजू बादाम जो आपकी इच्छा हो। और इसे अब आप लीजिए, बासुंदी बन चुकी है, इसे अब आप रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और इसे चिल करके आप सर्व कीजिए। चिल होने के बाद इसे खाइए, इतना टेस्टी लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मैंने आपको इंस्टेंट बासुंदी बताई है जो सिर्फ 5 मिनट में बनती है। प्लीज आप ट्राई कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज आपके सुझाव दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर